देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कर दी घटिया राजनीति। मणिपुर की घटना को पीएम मोदी ने बना दिया मजाक। संसद भवन के अंदर पीएम मोदी ने की शर्मनाक टिप्पणी। राहुल गांधी को तोड़नी पड़ी मिस्टर मोदी के खिलाफ अपनी चुप्पी। जो चाहे कह ले मिस्टर मोदी, हम मणिपुर में शांति वापस लाएंगे। दोस्तों, ये कहना है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। दरअसल दोस्तों, एक तरफ देश का एक राज्य मणिपुर हिंसा की आग में पिछले करीब 2 महीने से जल रहा है। सड़कों से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा है कि संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की घटना पर चर्चा करें, इस पर जवाब दे। लेकिन दूसरी तरफ संसद भवन के अंदर कुछ अलग ही सवाल जवाब चल रहे हैं, जो साफ तौर पर ये दिखाता है कि इस देश में किस हद तक घटिया और नीच राजनीति हो रही है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने मानसून सत्र के 4th दिन संसद में हंगामे और इंडिया शब्द पर बोलते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को देश का अब तक का सबसे दिशाहीन गठबंधन करार दिया और इस इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नामों का हवाला देते हुए कहा कि केवल देश के नाम के इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। इसी के चलते राहुल गांधी ने पीएम मोदी की टिप्पणी पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि आप हमें चाहे जो कह ले मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे, हम वहां के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में इस वक्त हालात काफी बुरे हैं। पूरा विपक्ष एक साथ आकर ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन में मणिपुर की घटना पर चर्चा करें, लेकिन दूसरी ही तरफ भाजपा का ये कहना है कि वो मणिपुर की घटना पर तभी चर्चा करेगी जब विपक्ष राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ हुए अपराध पर चर्चा करेगा। मणिपुर घटना पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार ही नहीं है और एक तरफ सरकार ये कहती है कि मणिपुर की घटना पर उनको दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, उन्हें क्रोध आ रहा है, लेकिन वो मणिपुर की घटना पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। संसद भवन में भी मणिपुर की घटना से ध्यान भटकाने के लिए हर तरह के हथकंडे सरकार अपना रही है। वहीं दोस्तों, जिस तरह से संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की घटना को छोड़कर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मणिपुर जल रहा है, वहाँ बलात्कार हो रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, हम यहाँ मणिपुर की बात कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। सदन में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे। दोस्तों, जरा ये वीडियो देखिए, किस तरह से विपक्ष मणिपुर की घटना पर सवाल उठा रहा है, वो भी एकदम शांति से। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि इतने सारे प्रतिनिधि संसद में 4 दिन से 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं है। इस सदन में बीजेपी सरकार के दौरान ही 267 के तहत चर्चा हो चुकी है, कांग्रेस सरकार में भी 267 के तहत चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, वहाँ रेप हो रहे हैं, आज हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, पीएम ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है, इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया, फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया, लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। वही दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट भी किया है और लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपको नॉर्थ ईस्ट पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं दिख रही है, पर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जरूर दिख रही है। इस इंडिया ने ही अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, इस इंडिया ने ही इंडिया मुजाहिदीन को भी हराया था। आप मणिपुर में हो रही बर्बरता और भयावह हिंसा पर संसद में कब बयान देंगे? मणिपुर के लोगों के घावों में मरहम लगाकर वहां शांति कब बहाल करेंगे? विपक्ष देश को दिशा दे रहा है, प्रधानमंत्री खुद ही दिशाहीन हो गए। दोस्तों, एक तरफ मणिपुर आग में जल रहा है,
लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की घटना पर ना बोलते हुए विपक्ष का मजाक बना रहे हैं। विपक्ष के इंडिया को ईस्ट इंडिया बता रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की गंदी राजनीति कोई और करता तो समझ में भी आता, लेकिन इस तरह की राजनीति देश के प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो दूसरे देशों में एक फोन करके युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन जब उनके ही देश का एक राज्य आग में पिछले 2 महीने से जल रहा है, उसको वो नहीं रुकवा पा रहे। या प्रधानमंत्री मोदी खुद नहीं चाहते कि मणिपुर की हिंसा की आग रुक सके। दोस्तों, जो कुछ भी संसद भवन में हुआ है वो बेहद ही शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। लेकिन दोस्तों, आप मोदी सरकार की ऐसी घटिया राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।